एनफील्ड एक्सप्रेसवे है, वाराणसी से कोलकाता तक 20,000 करोड़ की लागत से 686 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में चंदौली से शुरू होकर यह ग्रीन एक्सप्रेसवे बिहार झारखंड होकर हावड़ा तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे का काम तैयारी हो गई है, अलाइनमेंट पक्की हो गई है और एक्सप्रेसवे का काम अप्रैल 2022 तक अवार्ड हो जाएगा। तीसरा जो है वाराणसी औरंगाबाद चारदोहा कॉरिडोर, ये 4,500 करोड़ रुपए के लागत से 262 किलोमीटर 6 लेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 किलोमीटर तथा बिहार में 135 किलोमीटर है और 192 किलोमीटर में काम चल रहा है जो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। 70 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से होकर धनबाद को जोड़ेगा। इसका एक महत्वपूर्ण है जिसकी घोषणा अभी मैंने की थी, हमने बहुत प्राथमिकता दी है और जो कुछ काम हुआ है वो दिख रहा है। जो नई बातें बताना है उसकी मैं पहले शुरुआत करूंगा कि उत्तर प्रदेश में करीब 1,00,000 करोड़ खर्चा करके हम 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। 2 बन गए हैं और 6 नए बनाए जा रहे हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश की उद्योग व्यापार क्षेत्र के विकास के लिए इसमें बहुत फायदा होगा। पहला जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर बाईपास से बिहार होकर सिलीगुड़ी तक करीब 30,000 करोड़ की लागत से 520 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड यानी एग्जिस्टिंग रोड अस्तित्व में नहीं है, हम नई जमीन एक्वायर करके पूरा रोड बना रहे और ये करीब 520 किलोमीटर लंबा है और एक्सेस कंट्रोल यानी दोनों बाजू में कोई जानवर कोई व्यक्ति इसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो एक्सेस कंट्रोल इसको बनाया जा रहा है। ये टोटली नया अलाइनमेंट है और इसमें उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरेगा। ये उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर बिहार में 416 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 18 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी। इसका पूरा एक्सप्रेसवे का DPR बनना शुरू हो गया है, सितंबर 2022 तक ये पूरा DPR बन जाएगा और इस मार्ग पर अभी करीब 40,000 PCU यानी काफ़ी हेवी ट्रैफिक है और इसलिए नेचुरली ये बहुत आवश्यक है। भारतमाला फेज 2 में इसको हमने जोड़ा है और 30,000 करोड़ इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, तो एकदम कानपुर और लखनऊ के लिए एक ही एयरपोर्ट जैसा हो जाएगा और ये इसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा जिससे दिल्ली की दूरी भी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लखनऊ से कानपुर जाने में अभी 1.5 घंटे का समय जो 2-2.5 घंटे लगता है वो 1.5 घंटा बच जाएगा। एक हाईवे जो बना रहे हैं हम लोग दिल्ली से डेहराडून, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, इसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 210 किलोमीटर 6 लेन दिल्ली से डेहराडून तक का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह मार्ग दिल्ली के अक्षरधाम से EP बागपत शामली सहारनपुर मुजफ्फरनगर से देहरादून तक जाएगा, इससे दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे। मैं भी उत्तराखंड में प्रचार में था तो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ रोज दिल्ली से 10 फ्लाइट आती है, मैंने उनको आश्वस्त किया था कि 1 साल के अंदर 1 भी फ्लाइट नहीं आएगी क्योंकि दिल्ली से एयरपोर्ट जाना और फिर देहरादून से घर जाना इसी में 4 घंटे लगते, उसके बजाय दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, दिल्ली से कटरा यानी वैष्णो माता जी का मंदिर है 6 घंटे में होगा और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में होगा। इसी साल एंड तक ये पूरे काम काफ़ी हो जाएंगे, काफ़ी काम चालू है। ये दिल्ली डेहराडून ग्रीनफील्ड हाईवे जो है ये दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होगा, ये हरिद्वार के लिए नहीं करनी है तो सहारनपुर में हम बाईपास